ये कोई पेड और स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है, इसमें प्रोडक्ट का सिलेक्शन उनकी परफॉर्मेंस, फीचर्स, यूज़र फीडबैक के बेसिस पर किया गया है। आई अश्योर यू ये हेल्प करेगा आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट चूज करने में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। क्या आप टीवी बाय करने जा रहे हैं? अगर आप टीवी बाय करने जा रहे हैं तो क्या आपको पता है कि 30-35% लोग अपने लिए गलत टीवी बाय कर लेते हैं? अगर आप भी टीवी बाय करने जा रहे हैं और आपके दिमाग में भी ये सवाल है कौन सा टीवी है जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपने कई जगह सर्च भी किया होगा, बट स्टिल आप एक नया वीडियो देख रहे हैं और अभी भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको कौन सा टीवी बाय करना चाहिए। सो नो वरीज, मैं आपको आज इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। कौन से सबसे अच्छे 50 इंच के टीवी अवेलेबल हैं इस वक्त मार्केट में, कौन सी ब्रांड के हैं वो, उनमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, लोगों ने उनकी क्या फीडबैक दी है, क्या रेटिंग्स दी है इन प्रोडक्ट्स को, और कितने ये बजट फ्रेंडली हैं। और आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इन लिंक्स के थ्रू इन्हें बाय करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में ये टीवीज मिल जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी लिस्ट में नंबर 6 पे है सैन्यो 4K अल्ट्रा HD एंड्रॉयड टीवी। इस टीवी में जैसा कि आप नाम ही देख सकते हैं कि ये 4K टीवी है, दैट मीन्स इसमें आपको रिजोल्यूशन मिलेगा 2100 पिक्सल्स का। देन इस टीवी में आपको रिफ्रेश रेट मिलेगी 60Hz की, एंड इसमें आपको जो रैम है वो मिलेगी 2GB की रैम, एंड इसमें जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा वो है एंड्रॉयड 9.0 जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है। और इसके अलावा इस टीवी के जो बाकी फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। And this product will cost you around 33,900 rupees. Now, मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे है Hisense 4K Ultra HD Android TV. रिजोल्यूशन आपको इसमें मिलेगा 4K, देन इसमें डिस्प्ले टाइप A+ LED TV है, देन इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा Android 9.0, देन इसमें HDR10+ मिलेगा आपको। दैट इज़ वेरी गुड फीचर, क्योंकि जिस टीवी के अंदर HDR का सिस्टम होता है, जिसमें HDR10 आपको मिलता है, तो उसमें जो कलर्स, पिक्चर की ब्राइटनेस है, उसकी जो कंट्रास्ट है, वो इतने ट्रू लगते हैं लाइक आप जो सीन चल रहा है टीवी में उसको आप लाइव देख रहे हैं। आपको 2GB की रैम मिलेंगी। इस टीवी में जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 60Hz मिलेगी। तो अगर आप फास्ट मोशन की पिक्चर्स देखते हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं, इस टाइप का कुछ देख रहे हैं जिसमें फास्ट मोशंस हैं, तो ये टीवी आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें जो रिफ्रेश रेट है वो 60Hz है। दैट इज़ वेरी गुड, आपकी टीवी में एटलीस्ट 60Hz की रिफ्रेश रेट होनी चाहिए। देन इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि रैम 2GB मिलेगी एंड रोम इसमें आपको 16GB की मिलेगी, एंड ये जो रोम है इसमें 16GB है, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। एंड इस टीवी की सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको 30W का साउंड आउटपुट मिलेगा विथ डॉल्बी एटमॉस, तो इसमें जो साउंड क्वालिटी होगी वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, यू कैन गो फॉर इट। एंड इसके अलावा इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे एंड 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 34,000 रुपीज। नाउ मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे है सोनी ब्राविया HD टीवी। इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा इसका जो ट्रेडमार्क है एक्स रियलिटी प्रो डिस्प्ले, और इसमें जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 50Hz की मिलेगी। नो डाउट ये कम है, बट अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं देखते हैं तो ये टीवी में जो 50Hz की रिफ्रेश रेट है, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। इस टीवी में आपको HDR10 मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें सोनी का खुद का लिनक्स सिस्टम है। इसके अलावा आप देख सकते हैं रैम इसमें आपको 1GB मिलेगी और रोम इसमें 4GB मिलेगी, जो डाउन साइड में है ये आप कह सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट एंड 2 USB पोर्ट मिलेंगे, तो इसमें आपको एक HD पोर्ट कम मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्मार्ट टीवी है, तो आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें आपको ब्लूटूथ की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एंड इस प्रोडक्ट पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। एंड इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इस टीवी का एक डिसएडवांटेज है कि ये 4K टीवी नहीं है, एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 51,000 रुपीज़।
नंबर थ्री पे है VU अल्ट्रा HD टीवी। ये एंड्रॉयड टीवी है, 4K टीवी है। इसके सबसे अच्छी चीज़ है कि ये 4K है, एंड दूसरी चीज़ कि ये एंड्रॉयड टीवी है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको 9.0 मिलेगा। इसकी जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 60 हर्ट्ज मिलेगी, दैट इज़ वेरी गुड। इतनी रिफ्रेश रेट आपकी टीवी में होनी चाहिए। एंड इसके अलावा इसमें अगेन HDR मिलेगा आपको, जिसकी वजह से इस टीवी के अंदर जो पिक्चर क्वालिटी आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। देन इसके अलावा इस टीवी के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको रैम मिलेगी 2GB की, एंड इसमें रोम मिलेगा आपको 16GB का, जो कि बहुत अच्छा है। एंड इसके अलावा इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट मिलेंगे, 2 USB पोर्ट मिलेंगे, और इसमें आपको साउंड आउटपुट मिलेगा 30 वॉट्स का। और एक ये बहुत अच्छा बजट ऑप्शन है, अगर आप 35,000 के अंदर अपने लिए एक अल्ट्रा HD 4K टीवी बाय करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस टीवी। नंबर टू पे है सैमसंग 4K अल्ट्रा HD टीवी। डिस्प्ले टाइप इसमें आपको, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, इसमें आपको 4K HD डिस्प्ले मिलेगा। इसकी जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 60 हर्ट्ज की मिलेगी। ये भी आपको एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि इसमें जो पैनल है वो आपको VA पैनल मिलेगा, जो सैमसंग का खुद का पैनल है, इसमें IPS पैनल नहीं मिलेगा। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको IPS पैनल ही लेना है तो इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। वैसे भी साइड में बैठ के कोई भी टीवी नहीं देखता है, हम लोग हमेशा सामने बैठ के ही टीवी देखते हैं, तो आप इस टीवी को बाय कर सकते हैं VA पैनल के साथ में। एंड इस टीवी के अंदर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सैमसंग का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम टाइजन मिलेगा। इस टीवी में आपको एंड्रॉयड नहीं मिलेगा, लेकिन तो भी ये टीवी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती है, तो आपको कभी ये फील नहीं आएगा कि आपके पास में एंड्रॉयड टीवी नहीं है, क्योंकि ये स्मार्ट टीवी तो है ही। देन इसके अलावा इसमें आपको HDMI पोर्ट 3 पोर्ट्स मिलेंगे, USB के इसमें आपको 2 पोर्ट्स मिलेंगे। एंड इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ एंड वाईफाई की कनेक्टिविटी भी मिलेगी। बट इस टीवी की प्राइस लिटिल ज़्यादा होगी दूसरी टीवीज के कंपैरिजन में, बट इफ़ यू आर सैमसंग लवर देन यू कैन गो फॉर इट, एंड दिस टीवी विल कॉस्ट यू अराउंड 49,000 रुपीज। एंड नाउ नंबर वन पे है एज यूजुअल मी 4K अल्ट्रा HD टीवी। इसमें आप देख सकते हैं डिस्प्ले टाइप आपको विविड पिक्चर इंजन का मिलेगा, LED डिस्प्ले है इसका। विविड पिक्चर इंजन दैट मींस कि इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है, एंड इसके कलर्स वगैरह बहुत अच्छे होंगे। देन इसके अलावा इसकी जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज़ की है, रिजोल्यूशन 4K है, नो डाउट बहुत अच्छी इसमें पिक्चर क्वालिटी होगी। टीवी के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 विच इज़ लेटेस्ट वन, एंड इसमें आपको रैम मिलेगी 2GB की, एंड रोम मिलेगा 8GB का। एंड इसके अलावा इसमें HDMI पोर्ट आपको 3 पोर्ट्स मिलेंगे, USB के लिए 2 पोर्ट्स मिलेंगे। इसमें आपको साउंड आउटपुट मिलेगा 20 वॉट्स का विद डॉल्बी DTS HD। एंड दिस टीवी इज बेस्ट बजट फ्रेंडली ऑप्शन, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 35,000 रुपीज। बट स्टिल अगर आपको इस लिस्ट में और कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, देन यू कैन कमेंट मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।